आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैंडे स्टाइल वेज बर्गर की रेसिपी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। बर्गर बनाने में सिर्फ पैटीज बनाने का काम होता है और कुछ भी नहीं होता है। देखने में ये जितना खूबसूरत लगता है, खाने में उतना ही टेस्टी और बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए आज के सुपर टेस्टी वेज बर्गर की रेसिपी को शुरू करते हैं। वेज बर्गर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो उबले हुए आलू और एक गाजर लिया है। दोनों को मैंने प्रेशर कुकर में 4 सीटी आने तक उबाल लिया है। दोनों को अच्छे से मैश कर लिया और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरा मटर। तो आधा कप मैंने यहाँ पे फ्रोजन मटर लिया है। इसे गर्म पानी में 1 मिनट के लिए ब्लांच कर लिया है ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। अब हम इन तीनों को अच्छे से ऐसे मैश कर लेंगे। और आप इस बर्गर में ना अगर पनीर डालेंगे, मतलब ये जो बर्गर की टिक्की बना रहे हैं, तो ये बर्गर और भी टेस्टी लगेगा। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम पनीर डाल दिया है और इसे भी इसके साथ मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने मिक्सचर रेडी कर लिया है। अब हम इसमें थोड़े से मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो आधी छोटी चम्मच आप इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें, लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, नमक डाल दें, गरम मसाला पाउडर डाल दें और इसके साथ आप चाहिए तो चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चाट मसाला नहीं डाल रही हूँ, हरी मिर्च डाला मैंने। इसके साथ बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे। ब्रेड क्रम्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेड क्रम्स डालने के बाद इन सबको अच्छे से मिला देंगे। हाथों से मिक्स करें ताकि मसाले जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्स जो है ना, वो इसको बाइंडिंग में हेल्प करेगा, मतलब ये जो टिक्की है वो आपके ऑयल में खुलेंगी नहीं। तो ब्रेड क्रम्स डालने के बाद मैंने इसे मिला दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा मिक्सचर ऐसे लेके हाथों पे एक पैटी बना के देख ले। अगर आपका मिक्सचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स मिला दें। तो यहाँ पे ये सही से बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि हाथों को क्लीन कर लेंगे और उसके बाद पैटी बना लेंगे। तो हाथों को क्लीन करने के बाद थोड़ा सा ऑयल लगा दें ताकि मिक्सचर आपके हाथों पर चिपके नहीं। और इसके बाद ये मिक्सचर लेके जितनी बड़ी आपको पैटी बनानी है उस हिसाब से आप इसे शेप दे दें। तो जितना बड़ा बर्गर का बन है ना, मैं उस हिसाब से इसे बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ऐसे मिक्सचर को हाथों पे ले और उसके बाद इसे हल्का सा चपटा करके किनारों को ऐसे गोल कर ले। तो इसी तरीके से आप सारी पैटी बना ले। आप चाहिए तो इन पैटी को बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और जब आपको बनाना है तो आप तल सकते हैं। तब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, जहाँ पे हम एक बैटर बनाएंगे। तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच मैदा ले ले। इसमें हम 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। 1/4 कप आप इसमें पानी डालें और इसके बाद इसका एक गाढ़ा बैटर बना लें। ध्यान रहे, ये बैटर जो है वो थोड़ा थिक रखना है क्योंकि पैटी को हमें कोट करना है इस बैटर से, उसके बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। तो बैटर अगर पतला हो जाएगा ना, तो ब्रेड क्रम्स अच्छे से चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पे इसे मैंने बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आलू की पैटी हमने बनाई, इसे हम इस बैटर से कोट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे ऐसे डिप करें और इसके बाद इसके ऊपर बैटर डाल दें। ये प्रोसेस करते वक्त आप स्पून की जगह फोक का इस्तेमाल करें, उससे क्या होगा ना, जो एक्स्ट्रा बैटर है वो नीचे से निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ और इसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में रख देंगे। जब भी आप बर्गर के लिए पैटी बनाएं तो उसे एक बार नहीं, 2 बार कोट करें, यानी कि डबल कोटिंग। उससे क्या होगा, ये जो पैटी है वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और आलू जो है वो तेल में बिल्कुल नहीं खुलेगा। तो जब भी आप बर्गर के लिए आलू टिक्की या वेज टिक्की बनाएं तो उसे आप डबल कोट जरूर करें, उससे वो एक्स्ट्रा क्रंची होंगे और ऑयल में खुलने का 0% चांस रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 पैटीज बना ली है और अब हम चलते हैं इन्हें तलने के प्रोसेस में। तो सेम तरीके से बाकी की पैटीज को आप कोट कर लें। तो इन्हें तलने के लिए ना तेल मीडियम हॉट चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं या कम गर्म नहीं। तो गर्म तेल में हम इन्हें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर ऐसे दोनों साइड से ब्राउन होने तक पका लेंगे। हमने इसमें ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल किया है, तो अगर आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ऊपर का जो ब्रेड है ना, वो तुरंत ब्राउन हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए ना, आप इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें ताकि इसका जो कलर है वो दिखने में अच्छा है और ऊपर से ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए। बीच बीच में आप इसे पलटते रहें और जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पैटीज है वो कितनी क्रिस्पी और कितनी परफेक्ट दिख रही है। तब हम चलते हैं बर्गर सॉस बनाने के प्रोसेस में। तो बर्गर सॉस आप चाहिए तो रेडीमेड इस्तेमाल करें या फिर मेयोनीज के साथ केचप और रेड चिली सॉस मिला के आप घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया और इसके बाद इसे ऐसे मिला देंगे। तो बर्गर सॉस बनाना घर पे बहुत आसान है। ये देखिए, मैंने बस मेयोनीज, केचप, थोड़ा रेड चिली सॉस और लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अब हम बन को सेक लेंगे। तो उसके लिए तवे पे थोड़ा सा बटर डालें और इसे हल्का सा दोनों साइड से ऐसे सेक लें। आप चाहिए तो इसे कच्चा भी खा सकते हैं, लेकिन सेका हुआ जो बटर वाला ब्रेड है ना, वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट लाता है। तो यहाँ पर मैंने इसे हल्का सा 1/2 मिनट के लिए टोस्ट कर लिया है। तो बर्गर सॉस हमने बना के रखा है, पैटी हमारी रेडी है और अब हम चलते हैं फाइनल प्रोसेस, जहाँ पे हम बर्गर को असेंबल करेंगे।
यहाँ पे जो हमने बन टोस्ट किया था उसे रख देंगे, और इसके ऊपर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट्यूस के पत्ते रख देंगे। लेट्यूस अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने ये क्रिस्पी पैटीज बनाई है वो रख देंगे। पैटीज़ के ऊपर आप अपने पसंद का सैलड इसके ऊपर रख सकते हैं। अगर आपको प्याज टमाटर नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर थोड़ा सा चाट मसाला रख दिया, और इसके बाद क्या करेंगे कि दूसरे बन के ऊपर जो हमने बर्गर सॉस बनाया है वो लगा दिया। टमाटो केचप इसमें अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे ये बर्गर सॉस थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इसके बाद अगर आपको चीज़ पसंद है तो दोनों के ऊपर एक चीज़ स्लाइस रख दें और इसे बंद करके सर्व करें। बस हो गया हमारा बर्गर। तो बर्गर के लिए आपको क्या करना है, बस पैटी बनाना और कुछ भी नहीं करना है, बाकी तो हमारे घर पे रहता ही है। लेट्यूस इसमें ऑप्शनल है। तो यहाँ पे ये देखिए, इसे हल्का सा प्रेस कर दें तो ये हमारा एकदम मैकडे स्टाइल वेज बर्गर जो है वो बन के तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी लगता है, ये आप देख सकते हैं। तो आप इस सुपर टेस्टी वेज बर्गर की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। सर्व करते वक्त आप चाहिए तो इसके साथ थोड़े से फ्राइज या फिर पोटैटो वेजेस सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी आपको ट्राई करने के बाद पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।